का धोख लगवाना है, हमें भी लगाना है। 1000 years later जाए बाय 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 रे। वीडियो लेना है ना? रुको ना, बाय लेती हूं वीडियो ले। और ऊपर से वीडियो ले रही है। बाय है ना रुई, बाय बाबू। मैं आऊंगी पक्का पक्का आऊंगी पक्का। तू कल पेपर दे ले, तेरा लास्ट पेपर दे ले, फिर तेरे को नाना को लेने भेज दूंगी पक्का। उसका मुंह तो देखो उतरा। हेलो, अब हम कल हम नाइट शाहपुरा रुके थे, शाहपुरा से अब हम जा रहे हैं भीम। देखो अंतरिक्ष जी ड्राइविंग कर रहे हैं। इसका सारा क्रेडिट मेरे पतिदेव जी को जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमें इतना घुमाया, हमने एंजॉय किया। ये लो पानी की बोतल। ये हम जा रहे हैं वे माता के, माता जी के कृष्ण का धोक लगवाना है, हमें भी लगाना है। दूर है क्या है अब दिखाते हैं आपको। पहले आया हूँ। ले लिया है ये प्रसाद, कृष्ण जा रहा है अब चढ़ाने के लिए मंदिर। मंदिर बहुत अच्छा है, पहाड़ी के ऊपर विधाता माता का मंदिर। गाड़ी पार्क कर ली है नीचे की ओर। प्रेम से बोलो, ये माता सारे बोलो, ये माता। ये गार्डन बनाया है यहाँ पे है ना, पहले नहीं, पहले पहले छोटा था, नहीं पहले था ही नहीं, पिछली बार आए थे तब कुछ बन रहा था यहाँ। फोटो है ना यहाँ के तेरा? हाँ, नवरंग चाचू सिक्कर वाला। हाँ। जो फर्स्ट व्लॉग में आया था है ना। हाँ। फर्स्ट व्लॉग में वही है, वही आया था। ये आ रही है अंजलि। नीचे देखो यार कितना नीचे, इतनी नीचे से गाड़ी आई है। परिक्रमा नहीं बनाया यार, पहले आए थे लेकिन इससे अच्छा नहीं बना, कुछ बना नहीं पाई। अब हम कर रहे हैं परिक्रमा करना है। क्या शानदार दिख रहा है यार, आईफोन तो आईफोन होता है।
वो चैन पूरा, और वो भीम की पहाड़िया है ना, दिख गई। कितना अच्छा दिख रहा है ना मंदिर, क्लियर लुक रहा है एकदम। बनाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा बनेगा ना, बन गया वैसे तो लगभग। वो गांव किसका है? वहां नीचे एक गाड़ी और आई है किसी। इतना ये तीनों दरवाजे कैसे लग रहे हैं? अच्छा लग रहे हैं ना वो। नेशनल हाईवे 148D जो सीधा कहाँ गया था? कोटा। यहीं से तो अपन कोटा गए, इसी रोड से। इसी रोड से। अच्छा लग रहा है। ला गिर जाओ एकदम से। ऊपर जाने का कहाँ पे? और ऊपर देखते हैं। देखे ऊपर यह मूर्ति की स्थापना होगी और है ना, कब? कल। थोड़े दिन बाद। पूरी पत्थर है, जोधपुरी पत्थर है ये। जोधपुरी पत्थर। ये देखो मतलब ये वो जो बनाया ना अभी मंदिर का। अच्छा उसका। अरे यार ये तो कल वाले मंदिर से भी और ऊपर है ना। हाँ। ये देखो अब देखो और क्लियर। हाँ, तो है ना, क्लियर दिख रहा है। ये विधाता माता का मंदिर है। विधाता माता। हाँ। और ये भीम से लगभग 15-16 किलोमीटर है, और आसिन से भी लगभग 10-12 किलोमीटर पड़ेगा। कबूतर आके बैठे। बच्चों के लिए माता रानी की विशेष कृपा होती है, इसलिए यहाँ आप अपने बच्चों को स्वस्थ निरोगी रखने के लिए दर्शन हेतु ला सकते हैं। और उधर माइंस चल रही है, धूल उड़ रही है ना। वो कटार, वो उधर कटारगढ़ है। हाँ, कटारगढ़ का किला भी है उधर, फिर कभी दिखाएंगे। फिलहाल हम तीसरी फ्लोर पे, सबसे टॉप फ्लोर पे मंदिर बन के तैयार शेप में आ चुका है। आ जाओ आराम से। शाबाश। सब जानते हैं है? वो क्या धर्मशाला ऐसे कुछ बन रहा है ना रुकने के लिए? जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। बोलो विधाता मैया की जय। जय माता रानी।
चल दिए हैं हम घर की ओर। बोलो जय माता दी।